चलो बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो इट्स अ फोर्थ सेशन, इट्स अ फोर्थ सेशन एंड चैप्टर नेम इज रोटेशन, और भी कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है तो बच्चों यहां तक आप सबको रोटेशन समझ आया क्या? यस सर। ठीक है तो बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इट विल बी टॉपलिंग, फर्स्ट टॉपिक इट विल बी टॉपलिंग एंड सेकंड इट विल बी रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स। इसका देखो मतलब क्या? ओके चलो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपलिंग फर्स्ट। ठीक है ओके सो बिफोर टॉपलिंग देखो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या चीज डिस्कस की, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। मान लो एक रॉड है, ठीक है ओके ऐसी एक रॉड है उसके ऊपर, और मान लो वो हिंज करके हमने बच्चों एक पॉइंट उसका क्या हमने हिंज करके से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर इस पे कोई आप अगर फोर्स लगाते हो, ठीक है किसी एंगल पे आप फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से मान लो कि एंगल कितना है, लेट सपोज That angle is theta, ठीक है ये force F, ठीक है तो बच्चों इसका हम टॉर्क कैसे निकालते थे? तो टॉर्क इट्स वैल्यू इज सॉरी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? So, R क्रॉस F वेक्टर, ठीक है और हम क्या लिख सकते हैं R F साइन थीटा, ये लिख सकते हैं और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि R परपेंडिकुलर F, और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो R perpendicular। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? सेम चीजें बार बार सेम चीजें, ठीक है और यहाँ पे r क्या बच्चों? So r is the vector, position vector, कि आप जिस point पे लगा रहे हो, ठीक है उसका यहां से reference से कितना उसका vector है actually, ठीक है। अगर आपको direction निकालनी हो तो कैसे निकालोगे बच्चों? आपको मैंने बताया था position vector में क्या करते हैं ना कि आप एक काम करो इसको shift कर दो, दोनों की टेल को आप क्या कर दो शिफ्ट कर दो, मतलब ज्वाइन कर दो दोनों टेल एक साथ, देखो ठीक है ये एंगल कितना है, ये भी थीटा है, ठीक है ये अपना एफ वेक्टर है। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसे, ठीक है कुछ नहीं करना, आर क्रॉस एफ करना है बच्चों। आर क्रॉस एफ करोगे, लेट मी शो यू आर क्रॉस एफ तो क्या आएगा, तो टॉर्क आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, तो बच्चों टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बाहर की तरफ। ये बात क्या तक किस किस को समझ आई बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या सबको? मेरी आवाज आ रही है क्या साहब? यस सर। ठीक है यहां तक सब क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं फिर हम। देखो ना बच्चों अगर कंडीशन ये है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है उस पर हम डबल फोर्स लगा रहे हैं, हम सिंगल फोर्स नहीं लगा रहे, हम बच्चों डबल फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? मान लो एक पॉइंट है, हमारे पास बच्चों एक पॉइंट है, ठीक है इस पॉइंट पे, लेकिन बच्चों ये यहां से हिंज्ड है, यहां से मतलब ये हिंज्ड है बच्चों, ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम डबल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे एक इधर और एक इधर, सॉरी ठीक है ये मान लो F1 वेक्टर है फोर्स है, ये मान लो बच्चों F2 फोर्स है। नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फोर्स इज इक्वल टू F2 फोर्स तो बच्चों क्या होगा, हम बोल सकते हैं ना कि F नेट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। बच्चों यहां तक समझ आया क्या? अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो बच्चों नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है एंड अगर हम टॉर्क की बात करें तो बच्चों टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, एफ नेट टॉर्क इज आल्सो जीरो। क्यों भाई? देखो अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सेम है ना, यहां से तो दोनों का सेम है, तो आप निकालोगे आर एफ साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री हो तो,
सो आर इंटू एफ, आर इंटू एफ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बच्चों यहाँ पे नेट टॉर्क भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है। ये बात किस किस को समझ आई? इसको हम बोलते हैं बच्चों कपल। कपल कैसे बोलेंगे? अभी तो आपको जो अगला जो पॉइंट बोलने वाला हूँ उसको कपल बोलते हैं। देखो उसमें क्या होता है, मान लो अब अगर हम दोनों फोर्स को इस तरीके से लगाए, तो यहाँ पे लगाए तो बच्चों ऐसे, लेट मी शो यू। मान लो दो फोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास एक मान लो एक साइकिल का टायर है और ये हिंज है। हिंज का मतलब क्या होता है, उसको हमने एक 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 वो एक्सल रोटेशन के अराउंड घूम सकता है, ठीक है। अब बच्चों अगर बात करूं मैं कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों इस पॉइंट से, तो देखो क्या होगा, रेडियस हो जाएगा ना, ये आर, ये आर, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, आप अगर नेट टॉर्क निकालो, तो इस केस के लिए बच्चों, इस केस के लिए नेट टॉर्क इट विल बी इक्वल टू कितना, टॉर्क वन प्लस में टॉर्क टू, ठीक है। तो अभी तो आपको मैं ये आर क्रॉस एफ से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। बच्चों देखो अगर आप इसका निकालोगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, चलो ये मान लो अपना आर वेक्टर है, ठीक है। अब बच्चों आप निकालते हैं, एक सेकेंड, ये आर वेक्टर मान लो, ठीक है, ये अपना एफ वेक्टर हो गया। तो बच्चों जब आप आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क टी वन जो है, टॉर्क जो टी वन है बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आर क्रॉस एफ, तो बाहर की तरफ आएगी ना, डॉट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर आप जब इसकी डायरेक्शन निकालोगे इस टॉर्क की, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये भी अपना ये आर टू वेक्टर मान लो, ये अपना आर वन वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों अब आर, आप आर क्रॉस एफ करो तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, ये डायरेक्शन भी ऐसे आ रही है, नहीं 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 बच्चों ये भी आउटसाइड आएगी ना, देखो ध्यान से देखो, आउटसाइड आएगी भाई आर, देखो कुछ नहीं करना होता, हमेशा अपना क्या करो, जो आपकी फिंगर्स है ना राइट हैंड की, उनको अलोंग द रेडियल वेक्टर आप क्या कर लो, उसको अपना अलाइन कर लो पोजिशन वेक्टर। अब क्या करो, उसको ले जाओ फोर्स की तरफ, फोर्स इधर है तो ठीक है बाहर की तरफ, अगर मान लो फोर्स उल्टी साइड हो तो आपको घुमानी पड़ेगी फिंगर्स, और आपको ऐसे करनी पड़ेगी। तो बच्चों दोनों ही केस में कितना है अपना, सो अपना टॉर्क क्या है दोनों केस में बच्चों, सो आर इंटू एफ, ये भी आउटसाइड, सो आर इंटू एफ ये भी आउटसाइड। अब दोनों ही क्या है बच्चों, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर एफ। ये बात किस किस को समझ आई, यस बच्चों दोनों ही आउटसाइड है। आप रट्टा मत लगा, आप खुद देखो ना, ये देखो जब हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर था, जब आप इसको आर क्रॉस एफ कर रहे थे तो किधर आया, देखो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ तो आ रहा है, ये देखो दूसरा वाला बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक तो बच्चों ये तरीका है, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, देखो ये टॉर्क आपको निकालने का तरीका बता दिया मैंने, डायरेक्शन कैसे निकाले आपको बता दिया मैंने, लेकिन देखो इसका सिंपल सा तरीका देखो क्या होता है, कि अगर आपको नेट टॉर्क निकालना है बच्चों, स्टूडेंट्स नेट टॉर्क आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब क्या बच्चों, कि जो फोर्सेस ट्राई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की, और जो फोर्सेस ट्राई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, उन दोनों रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों क्या, नेट टॉर्क। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर आगे समझ, ठीक है आया समझ में। तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे, बच्चों मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्लीज ध्यान से सुनना, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट रोटेशनल मोशन आफ्टर कवरिंग ऑल द क्लास, मतलब ध्यान से सुनते रहना बच्चों, कोई भी इक्वेशन ऐसे रट्टा मत लगा देना, उसको समझो वो हो क्या रहा है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, इतने इक्वेशन है ना पागल हो जाओगे फिजिक्स में, अगर आपको अगर आप उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझोगे तो, ठीक है। अब देखो इसका देखो लाइव एग्जांपल देखो क्या है मेरे पास, क्या था, चलो मेरे पास एक चीज देखो लाइव बच्चों, देखो कपल का लाइव एग्जांपल क्या देखो, ये देखो ठीक है, ये देखो देख रहे आपको, ये ऐसे रोटेट कर रही है, एक फोर्स इधर घुमा रहा है एक फोर्स उधर घुमा रहा है। अब सोचो बच्चों देखो, अब ये ना ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं मैं, ताकि देखो आप सोचो अगर दोनों ऐसे करेंगे तो दोनों एक दूसरे का भाई टॉर्क क्या आपस में ऐड हो रहे हैं, सोचो अगर दोनों ऐसे कर, देखो दोनों ऐसे करेंगे तो रोटेट थोड़ा होगा, देखो दोनों ऐसे कर रहे हैं रोटेट ही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे करेंगे तो रोटेट हो रहा है,
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखो कुछ इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है बच्चों, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला केस क्या है बच्चों कि देखो, अगर मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है बच्चों, अगर वो पैरेलल है या सेम है, देन कोई टॉर्क नहीं लगेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लो दोनों अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है बच्चों, इन दैट केस मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बच्चों टॉर्क कैसे निकालेंगे हम? सीधी सीधी टॉर्क निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। सो एक मिनट प्लीज बच्चों, की कपल वाले का प्रैक्टिकल में वो भी निकाल के बता दो डायरेक्शन किधर की साइड। किसका कह रहे हो सर? कपल वाले का यानी इसका निकालो तो मैं डायरेक्शन सर, जैसे आपने इसमें प्रैक्टिकल करवाया था ना, मतलब उसको रोटेट करा रहे थे, तो उसमें फोर्स किधर की साइड जा रही है? आप खुद सोचो ना। नहीं नहीं देखो, ये देखो, ये उधर जाएगी, ये इधर जाएगी, देखना ध्यान से देखना। ये देखो तो सर यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन किधर की साइड है? देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर तो आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे ना, अगर आप इसको वेक्टर टर्म में देखोगे तो बाहर की तरफ ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो आप, ये कैसे, आप देखो कैसे घूम रही है, आपको लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फोर्स ऐसे घुमा रहा है इसको। तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यही आपको टॉर्क में बेनिफिट देगा आपको निकालने में। क्यों आप एक चीज बताओ, देखो एक काम करो, इसको छोड़ो, ये हमें नहीं पता क्या है, ये हमें पता ही नहीं, छोड़ो। हाँ लेकिन अगर इन्होंने पूछ लेना कि इनसाइड डायरेक्शन आ रही है आउटसाइड है, तो आपको यही यूज करना है आर्क रिसेप्ट। आप बच्चों सोचो ना, अगर मान लो हमारा साइकिल का टायर ऐसे फिक्स है, ये फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो आपको नहीं लगता बच्चों कि ये जो है बच्चों इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? यस सर। और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो बस कर दो इधर, ये इसको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों ऐड होंगे नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, एक तो ये केस है। ठीक है अब देखो बच्चों आगे। Now, अगर मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन बच्चों दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट है, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है ध्यान से देखो बच्चों, नाउ ध्यान से देखना, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारी क्या बच्चों AOR है, यहाँ पे दोनों घूम रहे हैं, मतलब इसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, एक फोर्स उधर लग रहा है, तो बच्चों ये आपको नहीं लगता क्लॉकवाइज घुमा रहा है? ये आपको नहीं लगता एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? सोचो तो, अगर मान लो ऊपर वाला फोर्स होता, ये ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे घुमा रहा है ऊपर वाला, तो ऐसे जाएगा ना भाई, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको हटा दो, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या कर रहा है? ऐसे घुमा रहा है, तो एक ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको क्या करना है? सीधा टॉर्क निकालो। सो बच्चों नेट टॉर्क इट्स इक्वल टू, ये हैबिट डाल लेना ऐसे लिखने की, एंटी क्लॉकवाइज प्लस में क्लॉकवाइज। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वाला? नीचे वाला है, तो नीचे वाला, तो लिखो उसको F into R। बच्चों R की वैल्यू कितनी है? सॉरी इसका डिस्टेंस कितना? R है R। ठीक है, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ऊपर वाला F into डिस्टेंस कितना उसका? D प्लस में R। सो फाइनल कितना गया? एफ आर माइनस एफ डी माइनस एफ आर। सो टॉर्क कितना हो गया? माइनस एफ डी। ठीक है, माइनस एफ डी का मतलब क्या बच्चों? देखो मैंने क्या किया था, मैंने इसको पॉजिटिव माना था। बच्चों देखो ध्यान रखो, मैंने ना खुद से इसकी नोटेशन मानी है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, लेकिन फाइनल क्या बच्चों? नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों नेट टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी दैट इज क्लॉकवाइज। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैंने मैंने सीधा सीधा लिख लिया, मैंने क्या किया भाई, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव मान लिया, मैंने बच्चों इसको पॉजिटिव मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया। अगर ये पॉजिटिव मान लिया तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन फाइनली अपना आंसर कितना है? वो तो माइनस एफ भी आ गया। इसका मतलब हमारा तो नेटवर्क आएगा ना बच्चों, वो क्लॉकवाइज आ रहा है। ये बात किस किस को समझ आई? ओके सर। ठीक है सर, ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है ये इनसाइड होगा ना पॉइंट? बच्चे वही मैं कह रहा हूँ, आपको इनसाइड आउटसाइड देखना ना, आप फिर वो आर क्रॉस एफ से ही करना,
उसमें कुछ भी नहीं करना होता, जहां जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, बस एक काम करो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एक काम करो उसको ऐसे खींच दो, बस ये लो ऐसे खींच दिया, ये अपना क्या हो गया आर हो गया, अब घुमा दो इसको इधर की तरफ, क्या बोल रहा है ये, यस इनसाइड, बिल्कुल सही अंदर की तरफ आ रहा है। बट मैं आपको ना बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ देखो रोटेशनल डायनेमिक्स में यही सबसे अच्छा तरीका है, टॉर्क नेट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट करके जहां भी देकर आएगा आपको फिर वही यूज करना है, ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, सबको समझ आई क्या ये बात चीजें? बस मैं देखो मैं चाहता हूँ आप मेरे बच्चे बस कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। आपको मैंने साफ साफ बोल दिया जब भी वो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पूछेंगे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, अदरवाइज आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको यही यूज करना है। रोटेशनल डायनेमिक्स क्या होता है बच्चों, जहां पे नेट और निकलता है कुछ ना कुछ। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, अभी तक हम इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं, इक्विलिब्रियम भाई सारे टॉक हमारे जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, बस ऐसे कोई लटक रहा कोई ऐसे कर रहा है उलट कर रहा है। अब हमारे जो जितने जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना हर एक में हमारा ऑब्जेक्ट पे क्या है नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है बच्चों आगे चले। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट है क्या, ठीक है no, तो ऐसे ऐसे केस में क्या होता है देखो, यस इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन देन देयर टॉर्क इज कॉन्स्टेंट अबाउट एवरी एक्सिस, बच्चों एवरी एक्सिस है मतलब अगर मान लो मैं यहां पे लेता हूं चलो, ठीक है एक मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक यहां पॉइंट मान लिया, मैंने बच्चों यहां पॉइंट मान लिया ऐसे, अब मैं क्या करूं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा मैं बच्चों पी के अबाउट निकालूंगा इन दोनों का टॉर्क, ठीक है ध्यान रखना। अब जो कैसे निकालेंगे पी के अबाउट टॉर्क निकालना है, मैं यहां पर कर रहा हूं ठीक है, सो नेट टॉर्क ठीक है अबाउट पी क्या हो जाएगा, पहले लिखो भाई एक तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं टॉर्क एक होते हैं क्लॉकवाइज, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है बच्चों। अब जो ये वाला एफ है ये वाला एफ ये क्या करेगा ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, नीचे वाला क्या करेगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और मान लो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना ये मान लो टी है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से टी है, ठीक है तो लिखो फिर इक्वेशन, इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, सो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा नीचे वाला, लिखो उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या है एफ इंटू आर प्लस में टी, ठीक है क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा एफ इंटू डी प्लस आर प्लस टी, मेरी बात सबको समझ रही है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैंने क्या भाई डिस्टेंस क्या है भाई हमें ये डिस्टेंस पहले उन्होंने डिफाइन कर रखा है पहले से ही ऐसे, तो मैंने क्या किया मैंने इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लिया टी, ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। बस अब देखो एफ आर कट जाएगा एफ टी एफ टी कट जाएगा, फाइनली आंसर फिर से क्या आएगा, फिर से आंसर बच्चा वही आएगा माइनस एफ डी, यानी कि एफ डी क्लॉक आंसर वही आना है, टॉर्क की वैल्यू किसी भी एक्सिस का अबाउट निकालो वो बच्चों वैल्यू सेम आएगी। सर आपने माइनस क्यों लगाया, अरे बच्चे माइनस देखो माइनस के चक्कर में मत पड़ो आप भाई, मैंने क्या किया मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू रखी तो उसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है उसको पॉजिटिव लिखा मैंने, अब एक चीज अगर मैं एक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना है वो माइनस एफ डी आ गया, लेकिन मैंने मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मानी थी एंटी क्लॉकवाइज, सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग सो वी मस्ट शो आंसर इज क्लॉकवाइज, मीन्स अवर फाइनल नेट टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात किस किस को समझ आएगी। Yes, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है घड़ी घड़ी मतलब घड़ी कैसे चलती है ये सर, लेकिन इसमें मतलब दोनों है ना जैसे क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी है तो इसमें क्लॉकवाइज क्या बच्चे देखो अगर मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारे जो नेट टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है आगे चलिए क्या yes, चले आगे चलते बेटा टाइम हो जाएगा हमारे पास टाइम कम है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब क्या बच्चों, अच्छा अब देखो होता है क्या है ना अगर आपने कभी देखी हो मूवीज देखी हो आपने जिसमें गाड़ी ऐसे 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 पलट जाती है, कई बार गाड़ी देखा आपने गाड़ी को पलटते हुए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ अगर मान लो एक ऐसे ऑब्जेक्ट है मैं इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो ए ए नीचे गिरेगा
लेकिन अगर बच्चों ऐसे में फोर्स लगाऊ इस पे, टॉप पे लगा रहा हूँ, आपको लगता है ये कभी टॉपल करेगा? टॉपल का मतलब क्या है, एक किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाना, समझ रहे हो? ये देखो क्या, ये देखो ये इसके एक्सिस, ये क्या होगा यहाँ पे रोटेट करने लग गया, लेकिन अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा आपको लगता है कभी टॉपल करेगा ये? नो सर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, एक्चुअली टॉपलिंग होती क्या, ठीक है? देखो बच्चों, मान लो बिल्कुल ध्यान से सुनो, इनिशियली हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो बच्चों उस पे एक एमजी फोर्स नीचे लग रहा होगा, इस पे बच्चों एक एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, वो ऊपर लग रही होगी, तो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एमजी। सो अब देखो बच्चों रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना है, जीरो है, और बच्चों नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, मान लो बच्चों हमने एक फोर्स लगाया, हमने ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है, तो देखो अभी ना रोटेट नहीं कर रही है, अभी रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन हल्का हल्का ये ऐसे उठने लग गया बच्चों, हल्का हल्का उठने लगा ऐसे, तो आपको नहीं लगता बच्चों को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता था भाई? जब भी व्हेन टू सरफेसेस दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर देन देयर विल बी नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। लेकिन बच्चों अगर ये ऐसे उठने लग जाएगा, पहले ऐसे था अब ऐसे उठने लग जाएगा, तो डोंट यू थिंक पहले जो हमारा नॉर्मल फोर्स था एंड आपको नहीं लगता वो इधर शिफ्ट करने लग जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, लेकिन अभी भी नॉर्मल फोर्स तो एमजी के इक्वल ही है। क्यों इक्वल है? बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे नहीं हिल रहा ना ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या है, वो है तो अभी भी भाई, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ना। यस सर। भाई एफ नेट, एक चीज हो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, चल मेरे पास फोन है छोटा सा, ये फोन बड़ा काम आता है, ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा है ना, इट्स रोटेटिंग बट इट्स नॉट मूविंग ट्रांसलेशनली, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, so we can say n is equal to mg, तो लिख सकते हैं यहाँ पे f net is again zero। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर ऐसा है ये मूव कर क्यों नहीं रहा है भाई? हमने तो फोर्स लगाया है ना इधर, हमने तो ऐसे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया, क्यों मूव नहीं कर रहे? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा मार्केट में। यस सर। वो इसको बैलेंस कर रहा है। ये बात किस किस को समझ आई? यानी कि F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? यस सर। अब मान लो बच्चों एक ऐसी कंडीशन पहुंच गई है, एक ऐसी सिचुएशन पहुंच गई है कि हमारा जो ये है mg, ये बच्चों है ऐसे नीचे लग रहा है, ठीक है? अब बच्चों इस मोमेंट पे क्या हुआ एक्चुअली कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है ना बच्चों, वो बिल्कुल यहाँ पहुंच गया, बिल्कुल कोने पे, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा था ना अपना ये ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वहां शिफ्ट हो गया, और बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स भी ना, वो भी अब यहीं से लग रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो एक मिनट, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने इसको लोकेशन ठीक नहीं दिखाई, देखो तो बच्चों अपना जो MG है ना वो यहां से लग रहा है, ऐसे लग रहा है नीचे, ठीक है? अगर मान लो नाउ लेट सपोज अगर इसकी ये वाली जो है ब्रांच, सॉरी ये वाली जो इसकी साइड है, ये मान लो A है, ठीक है, और ये मान लो बच्चों ये D है, ठीक है बच्चों D, सो डोंट यू थिंक ये जो डिस्टेंस है ये D by 2 हो जाएगा? ठीक है, अब जो बच्चों ये एक वो कंडीशन पहुंच चुके हैं जहां पे हमने अगर हल्का सा उसको हल्का सा ऐसे कर दिया ना, गया वो टॉपल कर जाएगा,
वो बच्चों टॉपल कर जाएगा। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। अगर हम हल्का हो गया, अब बात ये है भाई टॉपल कर कैसे रहा है, ठीक है? अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको डरा नहीं, मैं आपको वैसे कर रहा हूँ, मतलब क्या तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार में समझ आया बस। इसके अबाउट अब ये रोटेट करने वाला है, ये मान लो पॉइंट बच्चों ओ है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ओके? सो नेट टॉर्क, ठीक है, अबाउट ओ इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है? मैं अभी भी ट्रांसलेशनल मोशन ये बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे बच्चों एफ नेट अभी भी जीरो, क्यों भाई? देर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन भाई, हमारी गाड़ी ऐसी शिफ्ट कर ही नहीं रही ना, हमारा जेट ऐसे शिफ्ट कर ही नहीं रहा ना, तो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है ना, लेकिन वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सा फोर्स? अच्छा चलो मैं बाद में पूछूंगा, पहले एक चीज बताओ आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स की वजह से बच्चों कोई टॉर्क होगा क्या? बच्चों बताओ मुझे, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई टॉर्क होगा क्या? बच्चों जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। भाई तो देखो दोनों ही फोर्स, भाई सिंपल सा फंडा है, आपको तो टॉर्क निकालना होता ना, आप ये चेक करो कि जो आप जिस फोर्स की वजह से यू आर फाइंडिंग टॉर्क, वेदर इट्स पासिंग थ्रू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन और नॉट। आप देखो नॉर्मल फोर्स उसी ओ पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी ओ पॉइंट से पास कर रहा है, तो दोनों की वजह से बच्चों टॉर्क तो नहीं होगा। कंफ्यूज हो गए क्या? बच्चों थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स क्या करो, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो फोर्स होता है वहां पे तो टॉर्क भी होता। क्या 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 फिर से रिपीट करो। जहाँ पे फोर्स होगा वहां पे टॉर्क होगा। नहीं नहीं बच्चों, अगर एक्स सोच के देखो, मान लो आपको दरवाजा खोलना है, आपको दरवाजा खोलना है, ये मान लो ऐसे इस पे, चलो इसको पकड़ लेता हूँ मैं, ये दरवाजा खोलना बच्चों, ठीक है? ऐसे अब आप हमेशा दरवाजा ऐसे खोलते हो ना, ऐसे खोलते हो ऐसे, या फिर इधर से ऐसे पकड़ के खोलते हो, ऐसे नहीं खोलते ना, इधर से पकड़। भाई आपका जो हमेशा जो हैंडल लगाते हैं वो यहाँ क्यों लगाते हैं, वो यहाँ बीच में क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों लगाते हैं, बिल्कुल क्यों? आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो वहां से तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं। तो बच्चों अब ये बताओ, देखो टॉर्क लगेगा हम एम जी फोर्स की वजह से और हमारे जो कैपिटल एफ है उसकी वजह से लगेगा। अब बताओ कि दोनों में से कौन सा एंटी क्लॉक वाइज लगाएगा और कौन सा क्लॉक वाइज लगाएगा? सर किसमें बताना है? कैपिटल एफ और एम जी में से कौन सा एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क लगाएगा और कौन सा क्लॉक वाइज? सर एम जी एंटी क्लॉक वाइज लगाएगा और एफ क्लॉक वाइज लगाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, छा गए नु, बहुत बढ़िया। देखो एम जी कौन सा है? एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन कितना हो जाएगा? एम जी इंटू डी बाय टू, मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव मानूंगा। एफ इंटू बच्चो एफ, सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एफ का फ्रॉम पॉइंट ओ, ए है ना ए, बस बच्चो अभी अबाउट टू रोटेट था, अबाउट टू टॉपल था, जीरो है, इंप्लाइज एम जी डी बाय टू इक्वल टू एफ ए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, सो एफ इज इक्वल टू डी बाय टू ए इंटू एम जी। देखो बच्चों इसका देखो मतलब क्या है, एफ एक्चुअली फोर्स क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल दी ऑब्जेक्ट। बच्चों मुझे क्या बताओ, आप सोच के देखो एफ क्या है? एफ बच्चों वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉपल करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी होती है।
अब सोचो अगर बच्चों डी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एफ रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब जितना लंबा ऑब्जेक्ट होगा जितना ऊंचा लंबा ऑब्जेक्ट होगा तो हमें कम चाहिए ना। अब देखो ये रहा बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल है, ए देखो ऐसे मैंने उसको ए हल्का सा कर दिया टॉपल कर गया, देखो ए हल्का सा कर दिया टॉपल कर गया। अब मान लो इसको टॉपल कराओ ना, इसका ए देखो क्या है, ए तो छोटा सा है, डी कितना है कितना बड़ा है, कराओ ना इसको टॉपल, लो टॉपल कराओ, फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं मैं तो, ये ट्रांसलेशन मुझसे करने लगा लेकिन टॉपल नहीं कर रहा, क्यों हमें ज्यादा फोर्स चाहिए। ये बात किस किस को समझ आ रही? यस सर आगे समझ। ठीक है चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है अब इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या बच्चों। सो ए फोर्स कैपिटल एफ एक्ट्स ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्या है कि सारी साइड उसकी इक्वल है, विच डजंट टॉपल और स्लिप, ना तो उसने टॉपल किया ना वो स्लिप हुआ, फाइंड अ शिफ्ट एक्स इन नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, अज्यूम फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। अब हमें देखो उन्होंने बोला कि ना तो इसने टॉपल किया है ना ही स्लिप किया, स्लिप का मतलब क्या है एफ नेट क्या है जीरो, बट हमें ये बताना है अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर शिफ्ट हुआ भी है तो कितना शिफ्ट हुआ है। देखो बच्चों चलो मान लिया कि भाई शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं ना, वो देखो पहली बात तो ये कि मैं पहले आपको पॉइंट शो कर देता हूँ कि टॉपल के रिगार्डिंग ये रहा इसके अबाउट निकाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शुरू में जो अपना था नॉर्मल रिएक्शन तो शुरू में यहाँ पे होता ना बीच में होता है ये रहा, ठीक है, और हमारा एम जी फोर्स यहां लग रहा था, ठीक है। मान लो बच्चों जो नया है हमारा नॉर्मल रिएक्शन वो यहां पे है, ठीक है, और मान लो कितना शिफ्ट हो गया बच्चों, ये बच्चों मान लो एक्स है ना एक्स शिफ्ट हो गया बच्चों। अब बच्चे क्या करते हैं वो यहां से निकालने लग जाते हैं, यहां से नहीं निकालना भाई पहले नॉर्मल रिएक्शन कहां पे था, वो तो बिल्कुल मिडिल में था ना, अब मैं वहां से शिफ्ट निकालना है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है अब देखो तो मैं अगर बात करता हूं हमारे MG फोर्स की, वो यहां लग रहा था, ठीक है MG फोर्स। अब बच्चों तो हमें तो क्या करना, सो वी हैव टू फाइंड टॉपल नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं ना ही स्लिप हुआ, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों अगर इसकी टोटल अगर ए है तो हम बोल सकते हैं ना ये डिस्टेंस कितना है, ये ए बाय टू है, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, बच्चों आपको नहीं लगता कि इसकी वैल्यू ए बाय टू माइनस एक्स हो जाएगी, समझ रहे हो भाई टोटल एक्स भाई बीच में पॉइंट में से कितना था ए बाय टू था, ठीक है, अब वो इधर शिफ्ट कर गया तो एक्स ऑफ रोटेशन है वहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बाय टू माइनस एक्स। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं कि एक मिनट रुको बच्चों मुझे थोड़ा सा करना ही पड़ेगा तुम्हारा ही रुको। देखो बच्चों बिल्कुल मिडल में है ये और हमारा जो एमजी है ठीक है यहां से, ओके नाउ अगर मान लो हमारे ये शिफ्ट हो गया है, इधर हमारा शिफ्ट हो गया है एक्स डिस्टेंस से, कितने से एक्स से, ठीक है, तो बच्चों यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा ए बाय टू माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों ए बाय व्हाइट वाला क्या है एम जी है,
और ये वाला क्या बच्चों, नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन। अब बच्चों मुझे क्या बताओ, अगर हम नेट टॉर्क की बात करते हैं, सो मैं यहां पे करता हूं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टॉपल तो हुआ नहीं ना, सो वी कैन से आप ऐसे लिख लो, जब भी आपको लगे ना कि नेट और जीरो है उस उन क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लो, बस सॉरी आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव को फोकस नहीं करना, आप सीधा से देखो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज किस किस की वजह से होगा, एम जी इंटू ए बाय टू, क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन है वो बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, कुछ नहीं करना उसको पकड़ देखो यहां से ऐसे बांध रखा ना, ऐसे ऐसे खींचोगे अच्छा, अरे तो ऐसे भाई ले जाने का ऊपर कोशिश करेगा बट घूमेगा ऐसे ना, तो क्या क्लॉकवाइज होगा, बस बहुत ही बढ़िया छा गए हमारे बच्चे, देखो यहाँ पे। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है ए बाय टू माइनस एक्स, और फोर्स क्या कर रहा है एफ, वो भी क्लॉकवाइज। लेकिन बच्चों याद करो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा, तो एन इक्वल टू एम जी ये कंडीशन याद रखना, सो एम जी ए बाय टू विच इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी ए बाय टू माइनस एम जी, तो ये वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है, प्लस में एफ इन टू ए, तो बच्चों ये तो कट कट हो जाए ना, कट 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 कट, ठीक है। सो एफ ए इज इक्वल टू एम जी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इन टू ए डिवाइड बाई एम जी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, आगे ना सब कुछ समझ गए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आप खुद करना, क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बट हमें इस बार क्या करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए डज नॉट टॉपल, मतलब क्या कि फाइनल वैल्यू कितनी होगा कि जस्ट अबाउट टू टॉपल हो जाए, अजूम द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। आपको अगर मैं हिंट दूं तो हमने जो पहले वाला किया था ना, जो बड़ी सी स्लैब, हमने जो स्लैब ली थी वाली, यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चों, ए को डी के इक्वल पुट कर दो, सीधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने क्यू लिया, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके सर, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो डी की जगह ए पुट करो ना, क्या आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, एम जी बाय टू आ गया आंसर, आंसर आ गया एम जी बाय टू, ठीक है, कर लेने को। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, रोटेटिंग, पुली रोटेटिंग। अभी तक बच्चों हम क्या कर रहे थे, याद करो हम क्या मानते थे अभी तक, कि ये हमारी है पुली, ठीक है, कैसी है ये, मासलेस, कोई मास नहीं इसके अंदर, एक मिनट साफ ले लेता हूँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या लिखते हो समझ नहीं आता, मासलेस, ठीक है। अब अगर मासलेस था तो क्या होता था भाई, ऐसे जाती थी रस्सी इसके ऊपर, हमारा स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसे जाता था ऐसे, ठीक है, तो ये टेंशन और ये टेंशन क्या होता था, इक्वल होता था, और मासलेस पुली, ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, नो सर, ठीक है। लेकिन अब कह रहे भाई अब काम नहीं चलेगा ऐसे, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको इसको रोटेट, देखो बच्चों कभी आपने कभी कुएं वगैरह से पानी निकाला है, मतलब एक ऐसा भी कैसे था आपको, मैं ये आपके सामने दिख तो रहा है, अब देख कितना, जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो रस्सी इस पे घिसेगी या साथ में इसको रोटेट करवाएगी, जो पुली को रोटेट करवाएगी जो आपको दिख रहा है, आपको लगता साथ में पुली रोटेट करेगी, यस सर, ठीक है, पुली विल रोटेट, लेकिन यहां पे क्या है बच्चों, ये फिक्स है, नॉट रोटेटिंग, सुन यहाँ पे सिर्फ रस्सी घिसेगी, यस, इस पर रस्सी घिस रही है बस, देखो ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स है, ऐसे से ऐसे से रस्सी इस पे ऐसे जा रही है, लेकिन अब क्या होगा बच्चों,
अब जाएगी ऐसे बट साथ में घूमेगी, देखो जो अब साथ में ऐसे घूमेगी पुली, सबको दिख रहा है, अब ऐसे घूमेगी साथ में पुली। पहले कैसे हो रहा है, पहले ऐसे फिक्स था, ऐसे रस्सी घिस रही थी, अब क्या साथ में ऐसे घूमेगी, अब साथ में घूमेगी, बच्चों घूमेगी तो वहां पे टॉर्क है, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस हमें ये करना है, देखो इस पे छोटा सा एक वो करते हैं डेरिवेशन। सो ए सर्कुलर डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर इट विद वन ब्लॉक एट ईच एंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड ए पॉइंट ऑन रिम ऑफ द डिस्क। अब एक बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताओ, चलो ठीक है पुली घूम रही है मान लो, लेकिन इस बात की गारंटी का कि दोनों टेंशन इक्वल नहीं होंगे? देखो बच्चों, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई देखो इसमें टेंशन क्या है, उस बच्चे ने बोला कि इसमें टेंशन सर मैंने लिखा T1 T2 मैंने ऐसे लिखा, तो उस भाई साहब ने बोला कि अच्छा क्वेश्चन है कि सर एक चीज, उस बात की गारंटी क्या है कि T1 T2 इक्वल नहीं होंगे? आप बताओ कैसे हम कैसे बोलेंगे इक्वल नहीं है सर, क्योंकि वो पुली भी रोटेट कर रहा है ना, तो उसके साथ वो मास भी रोटेट करेगा आई थिंक। देखो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया अनु, बस हल्का सा आपने लास्ट में गलती क्या कर दी कि बच्चों मास रोटेट नहीं करेंगे, मास कैसे रोटेट करेंगे? देखो जो मास m1 m2 है बच्चों, वो तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा ना, ये तो ट्रांसलेशन करेंगे। yes, तो इसका आंसर ये है, अगर पुली रोटेट कर रही है तो पुली को रोटेट कौन करवा रहा है, पुली पे कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, दोनों टेंशन ही तो लग रहे हैं। टेंशन, यस सर, टेंशन लग रहे हैं, तो अगर रोटेट कर रही है इसका मतलब टेंशन इक्वल नहीं है। यस सर, एक साइड ज्यादा होगी एक साइड कम होगी। अभी तो रोटेट करेगा, चलो देखो अब क्या करना होता ना, अब आपको ना इस टाइप में, अब आपको स्पेशली रोटेशन डायनेमिक्स में कुछ नहीं करना, इतने सिंपल चीज आपको बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर क्या बात क्या बात क्या बात। देखो बच्चों ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान बस ये रखना है कि सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इसको हम हर बार लिखेंगे किससे, Px। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है, एफ नेट, हमें ये निकालना है, ठीक है एफ नेट हमें निकालना है। ट्रांसलेटरी अगर मोशन होगा तो वहां पे एफ नेट क्या नॉन जीरो है ना, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। चलो भाई ठीक है हम निकालते हैं फिर। अब देखो उन्होंने पहले बोल रखा है कि m1 मास बड़ा है m2 से, तो लिखो फिर यहाँ पे। सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं m1 की, तो इक्वेशन m1 g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 a। मैंने क्या मान लिया बच्चों कि हमारा जो मास ए है वो नीचे m1 है नीचे आ रहा है, ए एक्सेलेरेशन से ए ऊपर जा रहा है। बच्चों आपको डाउट है क्या कि दोनों के एक्सेलेरेशन इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? सर अनइक्वल। क्यों, आप सोच के बताओ मुझे, अगर m1 अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो क्या लगता है m2 1 मीटर ऊपर आएगा? सर एक्सेलेरेशन इक्वल होगा क्योंकि वो मतलब जिस साइड जा रहा है फिर उस साइड मतलब दूसरी साइड से वापस भी आ रहा है। बिल्कुल सही, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब क्या स्ट्रिंग तो मतलब इनएक्सटेंसिबल है ना, खींच नहीं सकती वो, उसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है ये एक हो गया अपना, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड कर दो, सो m1 माइनस m2g ठीक है माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू ए। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर आ गई समझ। ठीक है नाउ रोटेशनल मोशन, ठीक है Rx। अब तो चुप दो, अगर हमारी पुली रोटेट कर रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है पुली ओके। अब देखो नीचे एक एक्सेलेरेशन लग रही है, सॉरी टेंशन लग रही है, टेंशन लग रही
ठीक है T1 T2 और ये बच्चों कितना है R, ठीक है ओके नाउ लिखो यहाँ पे तो नेट टॉर्क बच्चों किसके इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज ठीक है और वो फाइनली किसके इक्वल होगा आई इंटू अल्फा ये बात किस किस को समझ आई अब बताओ T2 और T1 में से कौन सा आपको लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करेगा और कौन सा क्लॉकवाइज बच्चों मैं चलो आपसे जैसे ले देता हूं मैं ठीक है एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है ये वाला T1 शायद एंटी क्लॉकवाइज जाएगा T2 क्लॉकवाइज अरे बच्चों शायद क्या होता है आप कुछ नहीं करो ना ये पकड़े इसको खींच दो इसको इधर नीचे खींचोगे इधर जाएगा ना ये नीचे खींचो इधर जाएगा ये तो T2 एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है सर एक बार ये वाली इक्वेशन बता दो जो आपने टॉर्क नेट वाली लिखी है बेटा आई अल्फा याद करो मैं अच्छा आपको याद करवा देता हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा भूल गए क्या इक्वेशन ये सिमिलर इक्वेशन फाइनल भाई देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम भाई रोटेशन डायनेमिक्स मतलब क्या है डायनेमिक्स मतलब मूव कर रही है मूव करना रोटेशन मतलब रोटेशन ऐसे कर रही है समझ रहे हो तो हर बार क्या होता था मूव ही नहीं करती थी हम हमेशा इक्विलिब्रियम लेते थे भाई टॉपलिंग में क्या हो गया हमने टॉपलिंग में क्या किया कि जस्ट अबाउट टॉपल होने वाला वो थोड़ा ना रहा था बट अब होगा वो अब हमारी पुली रोटेट कर रही है यस सर आगे समझ ठीक है सर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रही क्या अरे मेरे बच्चे दोनों एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे आप बताओ एक इधर खींच रहा है आप एक काम करो जब भी आपको ये चेक करना हो ना कि कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज एक को भूल जाया करो एक को भूल जाओ सिर्फ T1 पे फोकस करो क्या करो तब नीचे खींचोगे तो पुली जो है ऐसे घूमेगी T1 सिर्फ T1 फोकस करो फिर T2 पे फोकस करो कि अगर T2 होगा तो ऐसे घूमेगी समझ रहे हो भाई इसके अबाउट घूम रही है ना ये जो पॉइंट नहीं दिख रहा आपको इसके अबाउट घूम रही है इसके अबाउट घूम रही है पुली ठीक है चलो बच्चे लिखते हैं सो अब देखो कैसे घूम रही है T1 ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी आप सीधा सीधा लिखो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अब यहाँ पे मत पूछना सर कि माइनस क्यों लिखा है बच्चों फाइनल देखो अगर T1 टॉर्क ज्यादा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना इसलिए मैंने अल्फा उधर ही ले रखा है मैंने सो T1 आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा सो बच्चों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था डिस्क भूल गए क्या क्या सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर मास क्या होता था भूल गए m2/2 बच्चों रिंग का याद रखो ना रिंग का कितना m2 होता है तो डिस्क का कितना m2/2 ठीक है तो देखो एक एक आर कॉमन ले लो कट गया ठीक है सो इक्वेशन क्या गया अपनी सेकंड इक्वेशन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m r alpha/2 ये अपनी सेकंड इक्वेशन ठीक है बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ मान लो ऐसे ठीक है अब थोड़ा ध्यान से सुनना एक बार एक पॉइंट है ये रस्सी के ऊपर ठीक है एक पॉइंट हमारी पुली के ऊपर बच्चों ये दोनों साथ में चल रहे थे याद करो दोनों क्या है साथ में चल रहे थे साथ में याद है साथ में समझ रहे हो मेरी बात समझ आ रही सबको क्या बोल रहा हूं मैं यस सर तो बच्चों जो रस्सी वाला पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन तो हमें पता है क्या वो ए है समझ रहे हो और ये बच्चों घूम रहा है अल्फा से ये भी हमें पता है भाई अगर हमारी डिस्क अल्फा से रोटेट कर रही है तो ये भी अल्फा से घूमेगा समझ रहे हो
अब दोनों साथ में घूम रहे हैं। तो बच्चों एक मिनट में आप एक चीज कर देता हूँ, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड, मैं कहता हूँ थर्ड की बात। बच्चों अगर दोनों साथ में घूम रहे हैं तो आपको नहीं लगता हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, इस साथ में तभी तो चलेंगे ये बात किस किस, याद करो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसा हो गया तो बस ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या गई T1 माइनस T2 आर अल्फा ए है, तो एम ए वाई टू। अब ये वाली वैल्यू सॉरी इसको क्या हो गया, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, ठीक है इसे पुट कर दो, ठीक है। सो एम वन माइनस एम टू इंटू जी माइनस एम ए बाय टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक मैंने क्या कर दी यहाँ पे कि ये जो एम है ना ये बच्चों कैपिटल एम है, क्योंकि ये किसका एम है हमारी डिस्क का, ठीक है। बस तो बच्चों यहां से अपनी एक ही वैल्यू आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय टू एम वन माइनस एम टू टू जी डिवाइड बाय आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाय टू, मुझे अपना आंसर आ जाएगा। ये बात बच्चों किस किस को समझा यहाँ तक, मैं बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब कुछ कुछ नहीं करना बच्चों, पहली ट्रांसलेटरी इक्वेशन, ट्रांसलेटरी इक्वेशन, सेकंड रोटेशनल इक्वेशन, थर्ड इज हमारी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ट्रांसलेटरी में क्या एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो जो जिन जिन ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ट्रांसलेटरी पे अपनी ये वाली इक्वेशन लगा दो। रोटेशन क्या है, जो जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं रोटेट कर रहे हैं उसके अबाउट ये इक्वेशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, इसके अबाउट घूम रहे हैं जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहे था, यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट थिंग अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड अपनी इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, ये बात किस किस को समझ आई, ये आप कर सकते रिवाइज कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज क्या कह रहे हो सर, ऊपर भी लिखना है एम आर स्क्वायर बाय टू, वहां पर आपने एम नहीं सर, सेकंड इक्वेशन के ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है ओके, चलो कोई तो ध्यान से सुन रहा है, चलिए ठीक आगे चले। यस सर, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या, ए फोर्स कैपिटल एफ इज एक्टिंग ऑन ए हिंज्ड डिस्क पुली एज शोन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, बताओ इसका आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। इसके बाद रोटेट कर लिया भाई, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो सीधे लिखो ना रोटेशनल इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। टॉर्क देखो किस किस की वजह से लग रहा है, एक मिनट में आप लिख देता हूं, इसका मास एम है उसका रेडियस आर है। चलो अब निकालो, कोई यहाँ पे बच्चों फोर्स एफ लग रहा है, ये वाला एफ फोर्स लग रहा है नीचे, सर इसका आंसर बी होगा एफ अपॉन में एम आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, अभी देखो चेक कर लेते हैं, देखो सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या है आई इंटू अल्फा, एक ही तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इंटू आर डिस्क है, डिस्क ना कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा, आर से आर कैंसिल, अल्फा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डिवाइड बाय
एम आर प्लस आगे आंसर के आंसर सी सी आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन बचो? नो सर। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे हमने इसको छोड़ा, जैसे हमने छोड़ा इसको, मतलब ऐसे वाला केस है, ऐसे वाला केस, ठीक है, ऐसे जैसे हम छोड़ा, वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल सा है, साफ साफ बोल रहे एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई ऐसे घूमेगा, कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही नहीं रहा, सीधे से निकाल सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और कितना है इस पे, कौन सा फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये फोर्स लगेगा mg, एक यहाँ पे बच्चों नॉर्मल एक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है, लेकिन वो तो यहीं से पास कर रहा है, उसी तरह से निकालो कितना जाएगा। सो mg इंटू एल बाय टू I into alpha। बच्चों रॉड का एक एंड के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ क्या होता है, भूल गए क्या? इंटू अल्फा, एल से एल कैंसिल, सो अल्फा विल बी इक्वल टू एम से एम कैंसिल, थ्री जी बाय एल, सॉरी टू एल, बस ये अपना आंसर आ गया। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आगे समझ। ठीक है चल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स रेड अराउंड द सिलेंडर वन ईयर ईच एंड फ्रॉम रेस्ट सिलेंडर इज अलाउड टू रोल down under gravity as strings unwind, find acceleration of falling cylinder and tension in the strings। देखो बच्चों ये क्वेश्चन किस किस को समझाया पहले मुझे एक चीज बताओ, बच्चों क्वेश्चन किस किस को समझाया? किसी को समझ नहीं आया हमने क्या कर रखा बच्चों? इसके ना मान लो ये अपना सिलेंडर है, हमने बहुत सारे स्ट्रिंग ऐसे करके, मतलब ऐसे धागा ऐसे करते ना, ऐसे करते हैं, फिर इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, हमने ऐसे छोड़ दिया, तो कैसे कर गए? ऐसे गिरेगा ना, छोड़ दिया तो ऐसे से गिरेगा, ये खुलेगा साथ में, समझ लो, और नीचे गिरेगा, देख रहे ना आपको, एक मिनट एक मिनट रुको, हाँ जी चलो मैं आपको इसमें ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, लेकिन आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो देखो बच्चों, अब दोनों ही स्ट्रिंग ऐसे हैं, समझ रहे हो, हमने मान लो ऐसे है, दो ऐसे स्ट्रिंग है ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे बात, ठीक है बच्चों, देखो यूनिफॉर्म केस है तो टेंशन क्या रहेगा, टी, दोनों में टी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट क्या है ट्रांसलेट इक्वेशन, बच्चों mg फोर्स है, फोर्स आपको mg नीचे लग रहा है, तो लिखो यहाँ पे mg माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, रोटेशनल इक्वेशन। आप घूम रही है तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करूं मैं, तो आपको नहीं लगता सिर्फ टॉर्क जो लग रहा है बिकॉज ऑफ टू टेंशन लग रहा है, और टॉर्क विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क किसकी वजह से, टू टी इंटू आर। बच्चों क्या है, सिलेंडर है और मास एम, तो जब इन्होंने कुछ बता ही नहीं रखा सिलेंडर कैसे, सॉलिड मान लो एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, सो आर से आर कैंसिल, सो टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम आर अल्फा बाय फोर, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक है, अब बच्चों ना यहां मेरा थोड़ा सा एक हल्का सा कॉन्सेप्चुअल चीज है बच्चों, मुझे ध्यान से सोच के बताना। अगर मैं एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे अब मुझे सोच के बताओ बच्चों कि अगर मैं बहुत सारे पॉइंट लेता हूं तो इन सब पॉइंट्स का एक्सेलरेशन कितना है, क्या लगता है आपको? इस जो इस दोनों स्ट्रिंग है बच्चों, इन पे इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रेस्ट पे या इनका कोई एक्सेलरेशन है? सर ये रोटेट कर रही है कोई? बच्चे रोटेट, धागा थोड़ा ना रोटेट करेगा, स्ट्रिंग थोड़ा ना रोटेट करेंगे भाई, धागा ऐसे वो तो रेस्ट पर ही होंगे ना इनके एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली बच्चों देखो, एक चीज अगर मान लो मैं पॉइंट यहां लेता हूं, ये धागा रेस्ट पे, सारे रेस्ट पे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं ना कि इन सब का एक्सेलरेशन क्या जीरो है। बच्चों अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको नहीं लगता कि इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए इसका? लेकिन ये, लेकिन जो जो अटैच किससे है, जो अटैच सिलेंडर से, वो तो नीचे ए से आ रहा है, लेकिन लेकिन सिलेंडर ऐसे घूम भी तो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी ऊपर एक एक्सेलरेशन है, क्या बच्चों, आर इंटू अल्फा, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये बात किस किस को समझ आई, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, टेंशन आ जाएगी, टेंशन फिर आप यहां पुट कर देना आपका, मतलब जॉइंट है बस वही तो रोटेट करेगा, बाकी तो सारे रेस्ट में ही है। यस, नहीं नहीं देखो, रोटेट रोटेट करने की कोशिश करेगा भाई, जो जो पॉइंट है जो दोनों का कॉमन है, तो दोनों के लिए कॉमन है, सिलेंडर और जो धागे बीच में जो कॉमन है, वो क्या कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन नीचे है तो सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो घूम भी तो रहा है, तो नेट इफेक्ट भाई, नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। यस सर, बस सारा आप आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आप ये निकाल लेना बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मतलब लाइन पे जीरो एक्सीलरेशन होगा और जो सर्कल घूम रहा है उसमें आर आर अल्फा एक्सीलरेशन है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने भाई, देखो हमारा ये तो ऐसे घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना अल्फा से, क्यों भाई, टेंशन ऐसे भाई, टेंशन जो लग रही है स्ट्रिंग से ऐसे ऊपर लग रही है, ऐसे घुमाएगा वो, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अल्फा क्या है, समझ रहे हो मेरी बात, सबको समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ध्यान से देखो, yes, sir. ये देखो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है, अब ये बिकॉज ऑफ इसकी एक्सेलरेशन भाई, ए एक्सेलरेशन इसके नीचे है, लेकिन ये जो भाई साहब है ये खुद भी तो रोटेट कर रहे हैं अल्फा से ऊपर, अब ये पॉइंट है धागा, ये धागा है जो बच्चों, अब बाकी सारे जो पॉइंट्स है धागों पे स्ट्रिंग पे सारे रेस्ट पे सबके एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये स्पेशल थोड़ा है, इसके कैसे हो सकता है, तो लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, इस पे एक ऊपर भी एक्सेलरेशन लग रही है आर इंटू अल्फा, समझ लो ठीक है बच्चों, अब आप इसको कर लेना, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? आई होप आप सबको अब रोटेशन मोशन समझ आ रहा होगा। यस सर, ठीक है, किसी को डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन लीव द क्लास। क्लियर बच्चों सब कुछ? अगर सब कुछ क्लियर है देन वी कैन मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, ठीक है, ओके।
ओके सर, गुड इवनिंग सर, बाय बाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सर.